हेलो दोस्तों, नमस्कार और सभी को स्वागत करते हो और एक नया वीडियो में। आज आप लोग को लेकर आए हैं जो MIUI जो 11 है उसके कुछ सिस्टम अपडेट के बारे में आपको बोलना चाहूँगा, जो आज बहुत ही कमाल का कुछ फीचर्स होने वाला है। क्योंकि आप लोगों को पास शायद वो अपडेट मिल चुका होंगे, लेकिन हमको मिल गया। मैं पहले आपको देखा देते कौन सा ऐप्स का अपडेट मिला है, तो मैं गेट्स ऐप्स में चला जाऊँगा। तो गेट्स ऐप्स को ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद हम देख लेते हैं कौन सा अपडेट मिला है। तो मैं मी में चला जाता हूँ। मी में जाने के बाद ऐप अपडेट में क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद आप लोग तो देख पा रहे हैं इतना सारा अपडेट आ चुका है, लेकिन अपडेट नहीं किया हूँ। लेकिन अपडेट हिस्ट्री में जाऊँगा देख सकते हैं 9 अप्रैल को मेरे को MI स्टोर ब्राउजर थीम और कैलेंडर को अपडेट मिल गया है। लेकिन आज आप लोगों को जो बात करने वाला हूँ वो है MI ब्राउजर। जो MI ब्राउजर में क्या क्या चेंजेस हुआ है आपको जरूर मैं अच्छे तरीके से समझा दूंगा। तो चलिए मैं MI ब्राउजर को ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैं MI ब्राउजर को ओपन कर लो देख सकते इस जगह में बहुत बड़ी चेंजेस लेके आया है। जो क्या है, पहला वो है व्हाट्सअप जो स्टेटस सेवर। अब देख सकते हैं एक आइकॉन दिखाई दे रहा है जो व्हाट्सअप का तरफ से, इस जैसे क्लिक करूंगा तो क्लिक करने के बाद देख सकते हैं जितना सारा मैं स्टेटस को चेक किया हूँ तो सारे इधर आ गया। तो इधर से भी आप सेव कर सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया एक चेंजेस लेके आया है। चलिए तो देख लो दूसरा चीज़ क्या है। जो इस दूसरा चीज़ है पूरा तरीके से ऐड को रिमूव कर दिया गया है। जी दोस्तों सही सुन रहे हैं, जो पूरा तरीके से ऐड को रिमूव करा दिया गया है। जैसे कि मैं कोई भी चीज़ को ओपन कर लेता हूँ, जैसे कि गूगल को ओपन कर लेता हूँ, तो जैसे मैं देख सकता हूँ जो गूगल को ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद उस ऊपर के कोना में देख सा रहे जो ऐड लिखा हुआ है उसका वो क्रॉस करके एक चिन्हों दिया है, मतलब इस जगह में कोई ऐड नहीं शो होगा। यही बहुत ही बड़ी कमाल का फीचर करा दिया गया है। और साथ ही साथ इस जगह में और भी बहुत कमाल चीज़ लिया गया है। जितना सारा वीडियो आप देख पा रहे हैं इसके ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हो जो वीडियो कहाँ से डाला गया है। जैसे मैं कोई वीडियो क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के बाद जो थ्री डॉट है, थ्री डॉट में क्लिक करने के बाद देख सकते हैं जो रिपोर्ट एंड रिसोर्स पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं ये वीडियो शायद इंस्टाग्राम से लिया गया है, इस वजह से इंस्टाग्राम का ही आ गया। तो इधर से जाके आप फॉलो भी कर सकते हैं, है ना कमाल का फीचर। तो चलिए और भी कुछ नया नया फीचर इसमें ऐड हुआ है जरूर आपको मैं दिखा दूंगा। तो चलिए क्या क्या नया चेंजेस हुआ है, जो क्या चेंजेस हुआ है इस जगह से आप कोई भी गेम को आसानी से ओपन कर सकते हैं। जी दोस्तों कोई भी गेम को आसानी से आप इस जगह में ओपन करके खेल सकते हैं ऑनलाइन में। और साथ ही साथ आपको जो वीडियो का आइकॉन दिखा दे रहा है इसमें क्लिक करने के बाद आप इसमें से क्या कोई भी आपको जो लोकल फाइल है इधर से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे सही सुन रहा है, कोई भी अगर फाइल होगा तो आपको क्या इधर से आप एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए मैं होम में चला जाऊंगा, देख सकते हैं जो अब मैं डाउनलोड के ऑप्शन में आ गया हूँ। डाउनलोड के ऑप्शन में आने के बाद आप देख सकते हैं जिसको चेंजेस पूरा तरीके से हो गया, जो व्हाट्सएप स्टेटस आ गया, उसके बाद जो वीडियो का आइकन आ रहा है उसमें क्लिक करने के बाद मेरा लोकल में जितना फाइल रहेगा तो इधर से मैं ब्राउजर से एक्सेस कर सकता हूँ। और साथ ही साथ इस जगह से गाना भी जो है वो भी एक्सेस कर सकता हूँ। साथ ही साथ जितना इमेज भी है वो भी मैं इधर से एक्सेस कर सकता हूँ, है ना कमाल का फीचर। साथ ही साथ आपको कोई भी चीज़ को अगर प्राइवेट करना है, प्राइवेट करने के आपको पहले हाइड नहीं रहते थे, लेकिन आप इधर से कोई भी चीज़ को हाइड कर सकते हैं। जैसे कोई वीडियो कैमरा को हाइड करना है तो थ्री डॉट में क्लिक करना, और थ्री डॉट क्लिक करने के बाद देख सकते हैं जो मूव टू प्राइवेट फोल्डर, और जैसे मैं इसमें क्लिक कर दूंगा तो क्लिक करने के बाद वो क्या हो गया, वो मूव हो गया। तो उसको मैंने कहाँ से एक्सेस करना, फिर जाके जो देख पा रहे जो एक ताला का निशान आ रहा है, ताला का निशान में क्लिक करना है। वो क्लिक करने के बाद जैसे मेरा वो जो पिन डाल दूंगा तो आ जाएगा। वो जैसे मैं पिन डाल दिया हूँ तो डालने के बाद देखेंगे जो वो फाइल इधर से आ जाएगा। चलिए देखो नेक्स्ट कर दिया, तो उसके बाद देखे मैं जितना सारा हाइड किया था इस जगह से आ गया। इसको अनहाइड भी इधर से अनहाइड भी कर सकते हैं। थ्री डॉट में क्लिक करने के बाद देखते हैं रिमूव टू प्राइवेट फोल्डर, इसको रिमूव से भी कर सकते हैं, है ना कमाल का फीचर। बहुत ही कमाल का फीचर आपको दिया गया है इस जगह से। और साथ ही साथ और भी कुछ इधर फीचर जो दिया गया है आपको जरूर मैं बता दूंगा, जो क्या क्या आपको इधर से फीचर्स दिया गया है। इस जगह से डाउनलोड भी डायरेक्ट कर सकते, देखिए कुछ कुछ ऐप्स आपको दिया गया, जो हैलो, ओलंपिया ट्रेड, खाता बुक, पिनरेस्ट, लिंक्डइन, ये इधर से डायरेक्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं। लेकिन इधर से डाउनलोड तो नहीं होगा, और डायरेक्ट कोई ऑप्शन दिया गया है, लेकिन डायरेक्ट आपको एक गेट्स ऐप्स या तो प्ले स्टोर में लेके जाएगा। ये भी बहुत ही बढ़िया चेंजेस हुआ है। लेकिन सेटिंग में थोड़ा सा चेंजेस तो नहीं हुआ, लेकिन डार्क मोड इधर से अभी से अच्छा से काम करता है इस जगह से। और साथ ही साथ सेटिंग का अगर बात करूं तो सेटिंग में उतना चेंजेस तो जो स्वाइप अप एडजस्ट ये भी थोड़ा सा चेंजेस हुआ है, और इधर से एडवांस सेटिंग में उतना चेंजेस नहीं है, लेकिन जो था वही है। तो यही था
एमआई ब्राउज़र का अंदर इतना चेंजेस, और साथ ही साथ मैं और भी बोलना चाहता हूँ जो और का आपका चेंजेस मिला है जो कैलेंडर ऐप में, तो मैं कैलेंडर ऐप को ओपन कर लेता हूँ। और कैलेंडर ऐप को ओपन करने के बाद आप लोग देख पा रहे हैं जो इसका इंटरफेस पूरा तरीके से चेंज हो गया है। लेकिन आपको अभी देखा दूँ इसका अंदर क्या क्या चेंजेस मिला है। जैसे इस कैलेंडर को मैं थोड़ा सा स्वाइप डाउन करता हूँ, देख सकते हैं जिसका अंदर एंड ऑफ अप्रैल, रामा रामा, इतना सारा अच्छा खासा इस जगह में कस्टमाइज किया गया है, देख पा रहा है। और साथ ही साथ इस जगह में लैंग्वेज भी ऐड करा दिया गया है, देख सकते हो। जो लैंग्वेज के ऊपर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो कितना सारा लैंग्वेज इसमें ऐड किया गया है, यही बहुत ही कमाल का फीचर हो दिया है। और साथ ही साथ और भी आपको कुछ बोलना चाहूँगा, जो जैसे मैं थ्री डॉट में क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन देखा था जो कैलकुलेट डेट, ये कैलकुलेट डेट में जब भी मैं क्लिक करूँगा तो कैलकुलेट डेट आप क्या कर सकते हैं इस जगह से बैकवर्ड और फॉरवर्ड करा सकते हैं। जो मतलब आज मतलब किसी जगह में किया है लेकिन उसका पहले 5 दिन बाद कहा था कौन सा डेट था, उस जगह क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि मैं फॉरवर्ड कर दिया हूँ, जो फॉरवर्ड करने के बाद जैसे कैलकुलेट करूँगा तो आज से 11 तारीख है, आज 11 अप्रैल है, उसके बाद 16 तारीख आएगा 5 दिन के बाद, ऐसे ही आप किसी को ऐड करा सकते हैं। ये बहुत ही कमाल का इंटरवल भी दिया गया है, इंटरवल भी आप इस जगह से चेक कर सकते हैं। ये बहुत ही मेरे को कमाल का चीज़ लगा है। और साथ ही साथ इस में जो नया चीज़ ऐड हुआ है वो है न्यूज़ का। जी दोस्तों, इस जगह में न्यूज़ के ऑप्शन आ गया, इस जगह से आप न्यूज़ भी ऐड कर सकते हैं। देख सकते कस्टमाइज में जाओ जाऊँगा तो इस जगह न्यूज़ का ऑप्शन आ रहा है। और साथ ही साथ मैं आपको और भी बोलना चाहूँगा, जो इस जगह में जो और जो सेटिंग हुआ है, जो चेंजेस हुआ है, जो सेटिंग में जाने के बाद आप इसे देख सकते हैं, जो स्टार्टअप हुई ये तो पहले से था, लेकिन टाइम जोन का ऑप्शन बोल के एक नया ऑप्शन आया है, इस जगह से टाइम जोन सेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको बोलना चाहूँगा, और जो इधर से सबसे बड़ा चेंजेस जो लेकर आया जाए, जो एडिशनल कैलेंडर। एडिशनल कैलेंडर क्या होता है हमको ही पता नहीं, लेकिन इस जगह से जो लोग कैलेंडर को अच्छे तरीके से पता है उन लोग बताएं। देखिए ये जो हिजरी संवत और विक्रम संवत, ये दोनों इस जगह में ऐड किया गया, कोई भी कैलेंडर आप चूज करके इस जगह देख सकते हैं। ये एक बहुत ही बड़ी अपडेट दिया है। और साथ ही साथ इस जगह तक लैंग्वेज के बारे में बोल ही दिया हूँ, जो रिमाइंडर आप इस जगह से सेट करके रिमाइंडर भी सेट कर सकते हैं अच्छा से। यही था कैलेंडर का अंदर चेंजेस, और कुछ चेंजेस नहीं है। और साथ ही साथ आपको ये बोलना चाहूँगा, जो और एक चेंजेस हुआ है जो ऐप वॉलेट का अंदर, जो ऐप वॉलेट जब भी मैं ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि ऐप वॉलेट अभी आपको गेट ऐप से नहीं मिलता, वो डायरेक्ट प्ले स्टोर से आपको अपडेट मिल जाता है, तो मैं ऐप वॉलेट को ओपन करता हूँ। ऐप वॉलेट ओपन करने के बाद देख सकते हैं इसका अंदर कस्टमाइज अच्छा से कर दिया गया है। साथ ही साथ आपको जो इस नया चेंजेस हुआ है वो न्यूज़ को ऐड किया गया है। जी दोस्तों, अभी आपको न्यूज़ के लिए तो ऐप वॉलेट का अंदर आना पड़ेगा, आने के बाद मोड ऐप्स में क्लिक करेंगे तो मोड ऐप्स में क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं जो इस जगह में एक न्यूज़ का ऑप्शन ऐड कर दिया गया, देख सकते हैं जो न्यूज़। और न्यूज़ में आपको जो देखने को मिल रहा है रिपब्लिक टीवी, गूगल न्यूज़, आज तक, एबीपी न्यूज़ और टाइम्स ऑफ इंडिया। लेकिन इसके अंदर एक बहुत ही बढ़िया खुफिया ये है, जैसे कि मैं आज तक को ओपन कर लूँगा, जैसे कि मान लो मैं आज तक ओपन कर लिया हूँ, ओपन करने के बाद आपको कोई भी अगर इस जगह सुनना है, मतलब कोई भी चीज़ को पढ़ना है, तो इस जगह में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, इस ऑडियो भी सुन सकते हैं। जैसे मैं गैजेट्स में जैसे क्लिक कर देता हूँ, और क्लिक करने के बाद कोई भी जगह न्यूज़ आ गया, जैसे ही न्यूज़ को मैं क्लिक कर देता हूँ, और क्लिक करने के बाद आप लोग को साइड में दिखाई दे रहा है जो स्टोरी इन ऑडियो, तो इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं, अगर इसमें क्लिक कर देंगे तो इसका अंदर जो भी लिखा गया है वो पूरा कुछ आपको बोल देगा। तो बहुत कमाल का फीचर दिया गया है, जो आज तक आप बाहर से यूज़ करते थे इस ये शायद फीचर नहीं था, लेकिन एमआई के अंदर ये फीचर दिया गया है, बहुत ही कमाल का फीचर मेरे को लगा है। अगर वीडियो को जरूर आप लोग का अच्छा लगा तो जरूर एक लाइक कर देना, साथ ही साथ कमेंट कर देना, साथ ही दोस्तों का शेयर भी कर देना। अगर मेरा चैनल में नया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का दबा देना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पहले पाने के लिए। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो के ऊपर, तब तक बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, जय हिंद।